श्रावण मास की एक महिमा बताई श्री महापुराण में, किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई अविष्ट वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो रही है। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर श्रावण मास में शुक्रवार के दिन गणेश जी की पूजा जो भी विधि पूर्वक प्रेम पूर्वक करता है उसको भगवान गणेश जी स्वयं पुत्र की प्राप्ति करवाया करते हैं। जैसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, अविष्ट फल नहीं प्राप्त हो रहा। श्री महापुराण में प्रथम खंड में पूर्वार्ध प्रथम खंड, अब हम मैयाओं के लिए पढ़ते हैं और ये चिट्ठी लगा कर रखते हैं और इसमें हम लिखते हैं कि कहाँ कौन सी चीज लिखी हुई है, तो हम प्रमाण सहित बताते हैं, बिना प्रमाण के कोई चीज नहीं बताते। यहाँ पर वर्णित किया गया है, विघ्नेश पूजया संभव भूर्लोक अभिष्ट मायजते। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा को प्राप्त करने वाले विषय की महिमा बताता हूँ। इसमें लिखा है, आप लोग श्रद्धा पूर्वक विघ्नराज गणेश जी की पूजा भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाले शुक्रवार को श्रावण मास में, शुक्रवार में श्रावण मास के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। देवता और अग्नि में श्राद्ध श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला यह नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र और अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। अब आपको हमने प्रमाण बता दिया, कथावाचक का काम होता है प्रमाण बताना, श्रोता को संतुष्ट कर देना हर बात से, तो हमने आपको बता दिया है, बस आपको करना है, बताना हमारा काम है, करना आपका काम है। यदि आप करोगे सब आपके पास है, शुक्रवार तो सबके पास आता है, श्रावण मास चल ही रहा है, श्रावण मास में गणेश जी की पूजा करो। क्या कैसे करें गणेश जी की पूजा? शिवजी के मंदिर में जाइए, शिवजी के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति अवश्य होती है कि नहीं? पार्वती मैया गणेश जी कार्तिक के विराजमान होते हैं, जाकर गणेश जी को शिवजी से स्पर्शित बेलपत्री को चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए। देख ध्यान रखना, शिव जी को स्पर्श किया हुआ बेलपत्री गणेश जी के हाथ में या फिर सिर में रखना, पैर पर मत रखना, वरना प्रसन्न करने जाओगे और रुष्ट हो जाएगी। पैर पर नहीं, सिर पर या हाथ पर भगवान पे बेलपत्री रखिए, चावल चरणों में चढ़ाते हुए भगवान की इस प्रकार पूजा करो। सूक्ष्म पूजा, विस्तार पूजा, कैसे भी पूजा कीजिए, वो आपको पुत्र प्रदान करने वाली होगी। अब हम मैयाओं, ये देखो हमने चिट्ठी लगा कर रखी है, अभी हम चिट्ठी लगा कर रखते हैं कि अब ये मैयाओं को हम दिखाएंगे कथा में। हम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि टोटका है, टोटका नहीं है, वरदान है, भगवान का उपाय है, निधान है। ये कथा में वर्णित किया है, ये शिवजी की कृपा है। टोटका बोलने वाले मूर्ख होते हैं, वो स्पष्ट मूर्ख है जो टोटका बोल रहे हैं, टोटका नहीं है, ये तो भगवान का कृपा है।